नमस्ते सुप्रभातम। सभी अभिभावकों, रंगमंच के अंदर सभी का स्वागत है। तो मैं आज एक कहानी सुना रही हूँ दो बिल्लियों और एक बंदर की। तो एक गांव में दो बिल्लियाँ रहती थी। एक काली बिल्ली थी और एक सफ़ेद बिल्ली थी। दोनों साथ साथ रहती थी। काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली जंगल के अंदर साथ साथ घूमती थी, साथ साथ रहती थी। और दोनों क्या कर रही थी, जंगल में घूमते घूमते शेर की तरफ आने लगी। तो उनको एक रोटी मिली। क्या मिली उनको? एक रोटी। तो काली बिल्ली कहने लगी, अरे पहले मैंने देखा। और सफ़ेद बिल्ली कहने लगी, अरे पहले मैंने देखा। दोनों ऐसे करके झगड़ा करती है। तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई अपन ऐसे करते हैं, इसको बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको बांट देते हैं। उन्होंने क्या करा, दो टुकड़ा किया। एक काली बिल्ली ने ले लिया, एक सफ़ेद बिल्ली ने ले लिया। तो सफ़ेद बिल्ली कहने लगी, अरे मेरी रोटी छोटी। सफ़ेद बिल्ली कहने लगी, अरे मेरी रोटी छोटी है। काली बिल्ली ने कहा, अरे मेरी रोटी छोटी है। ऐसे करके दोनों आपस में झगड़ा करने लगी और ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगी। म्याओं 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 कर करके ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करने लगी। और आपस में झगड़ा करते करते जितने में एक क्या हुआ, बंदर भैया कहाँ बैठा था, पेड़ पे। बंदर भैया कहाँ बैठा था, पेड़ पे। और बंदर भैया देख रहा था, अरे वाह ये दोनों बिल्लियाँ देखो कैसे लड़ रही है इस रोटी के लिए, क्यों नहीं ये रोटी मैं ले लूँ इनसे। बंदर बहुत चालाक होता है ना। तो बंदर ने कहा, इन दोनों बिल्लियों को झगड़ा करते हुए देख के उसने कहा, ये दोनों की रोटी मैं नहीं ले लूँ क्या, इनका सारा झगड़ा ही समाप्त कर दूँ मैं। तो बंदर भैया क्या करता है, उस पेड़ से नीचे आता है। बंदर भैया क्या करता है, पेड़ से नीचे आता है दोनों बिल्लियों के पास। दोनों बिल्लियों के पास आके बोलता है, बिल्ली बहने क्या हुआ। कहा भाई देखो ये रोटी है ना मैंने देखी पहले। इसने कहा, पहले मैंने देखी। और ये रोटी का टुकड़ा पहला बड़ा मेरा है। इसने कहा, नहीं बड़ा तेरा है। ऐसे करके हमारे दोनों में झगड़ा होने लगा। तो बंदर ने कहा, आप झगड़ा मत कीजिए, मैं एक तराजू लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ, तराजू। उसके अंदर आपकी रोटी का हिस्सा है, जिसका बड़ा होगा और जिसका छोटा होगा वो अभी पता चल जाएगा। तो कहा भाई ठीक है। बंदर दोनों बिल्ली क्या करती है, बंदर के पास बैठ जाती है। और बंदर भैया एक तराजू लेके आता है। और बंदर क्या करता है, एक पलड़े में रोटी का टुकड़ा सफ़ेद बिल्ली वाला रख देता है, एक रोटी का टुकड़ा काली बिल्ली वाला एक पलड़े में रख देता है। और अपने हाथ में लेके तराजू। और बंदर भैया क्या करता है, जो रोटी बड़ी थी ना उसको तोड़ के और खाने लग जाता है। क्या करता है, तोड़ के खाने लग जाता है। और जो रोटी बड़ी थी जिससे खाई वो पलड़ा तो नीचे चला जाता है, वो ऊपर आ जाता है। और जो भारी थी खा गए ना वो तो ऊपर आ गया क्योंकि वो छोटी हो गई, और जो भारी था वो नीचे चला गया। और फिर वापस क्या करता है बंदर भैया, और दूसरा जो पलड़ा होता है ना उसे तोड़ के खाता है और वो पलड़ा नीचे आ जाता है। और ऐसे करते करते वो पलड़ा ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि वो रोटी का टुकड़ा जो होता है छोटा बड़ा होता जाता है। और दोनों बिल्ली देख रही है, काली बिल्ली भी देख रही है और धोली बिल्ली भी देख रही है। दोनों ने कहा, अरे ये बंदर तो रोटी खाए जा रहा है अपनी। और दोनों बिल्लियों ने कहा, बंदर भैया आप क्या कर रहे हो। तो बंदर भैया ने कहा, क्या कर रहा हूँ। बंदर ज़ोर से हंसता है। क्या करता है, बंदर ज़ोर से हंसता है। वो बंदर उससे पूछता है, दोनों बंदर भैया क्या कर रहे हो। और बंदर ज़ोर से हंसता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप दोनों का क्या कर रहा हूँ, बराबर न्याय कर रहा हूँ और बराबर देख रहा हूँ। और बिल्लियाँ दोनों देखती रहती हैं उनको। और रोटी के टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं दोनों पलड़े में। दोनों बिल्लियाँ आती है बंदर के पास, कहते बंदर भैया आपने सारी रोटी खा गई, छोटे छोटे दो टुकड़े रहे हैं अब इससे। तो अरे तो क्या हुआ, मैंने आपकी है ना, आप दोनों का क्या कर रहे था, दोनों का न्याय करने के लिए मैंने, आप दोनों मुझे क्या दोगे। आपने तो कुछ मुझे दिए ही नहीं। और जो छोटे छोटे दो टुकड़े रोटी के रहते हैं ना वो भी क्या करता है, बंदर भैया खा जाता है दोनों टुकड़ा खा जाता है। और दोनों बिल्ली देखती रहती है। और दोनों बिल्ली देख के आपस में बात करती है और बंदर भैया हंसता रहता है। दोनों बिल्लियाँ देखती रहती है, वो अपना रोटी खा जाता है। और दोनों बिल्लियाँ क्या कहती है पता है आपस में, कह रहे अपन दोनों को मिलजुल के बांट के अगर रोटी खा लेते तो अपने पास जो आधी आधी रोटी थी वो भी अपने पास ले जाती। बंदर भैया ने तो सारी रोटी खा ली, अगर अपन लालच नहीं करते, अपन को लालच किया ना, मैंने कहा आपकी रोटी बड़ी, तूने कहा आपकी रोटी बड़ी, तो ऐसे करके लालच करने से क्या हुआ, अपन दोनों ही पीछे रह गए। नहीं तो आपके पास रोटी आता ही नहीं, मेरे को रोटी आता ही। इसलिए जो भी काम करना चाहिए मिल बांट के करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, इसलिए लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस सिखाने से यह शिक्षा मिलती है अपन को, लालच बुरी बला है।